वेलकम दी पाइनएप्पल सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर दो। तो आज हम बात करेंगे द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के चैप्टर 3 की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हेलेन की बात करने की चाहत। अब हेलेन को ये महसूस हो चुका था कि वह उसे लोगों को बात करने के लिए नए तरीके सीखने होंगे। वह दूसरों से बात नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्हें अक्सर गुस्सा आ जाता था। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हेलेन के प्रति माँ की आशा। हेलेन की माँ ने एक अमेरिकन नोट्स नाम का कुछ पढ़ा, नोट्स होंगे जो कि चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखित थे। तो उसमें एक लड़की के बारे में दिया होता है जो मूक बधिर होती है, गूंगी बहरी, शायद मूक बधिर का मतलब होगा, और उसका नाम होता है लॉरा ब्रिजमैन। वो लड़की होती है जो कि परकिंस इंस्टीट्यूट से, जिसने शिक्षा प्राप्त की थी, परकिंस इंस्टीट्यूट से उसने शिक्षा प्राप्त की थी। हेलेन के पिता हेलेन को फिर बाल्टीमोर लेके जाते हैं एक ऑक्यूलिस्ट के पास। अब आप सोच रहे होगे ये ऑक्यूलिस्ट कौन सी लिस्ट है। तो दोस्तों, ये लिस्ट नहीं है, ऑक्यूलिस्ट का मतलब होता है आई स्पेशलिस्ट, यानी कि आँखों का डॉक्टर। तो वो बाल्टीमोर में उसे आँखों के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। दोस्तों, जर्नी टू द बाल्टीमोर ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में अक्सर आता है। हेलेन की बाल्टीमोर यात्रा, ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, इसे रट लेना। तो अगला टॉपिक है, ये है हेलेन की बाल्टीमोर यात्रा। तो यात्रा के समय वह कंडक्टर की पिचिंग मशीन तथा तौलिए से बनी डॉल से बहुत देर तक खेलती रहती हैं। जो कंडक्टर होता है उसकी एक छेद करने की मशीन होता है, पंचिंग मशीन कुछ होती होगी, उसी से वो बहुत देर तक खेलती है, और एक कपड़े की गुड़िया होती है उससे खेलती है। उसकी चाची ने दी थी वो गुड़िया, जिसमें आँख कान मुंह और नाक नहीं थी। हेलेन ने महसूस किया कि गुड़िया को आँखों की आवश्यकता है, उसे लगा कि इसकी आँखें होनी चाहिए, इसलिए उसने अपनी चाची की कैप से दो मोती खींचे और अपनी चाची को वो मोती उसकी आँखों की जगह लगाने के लिए कहा, ताकि उसकी आँख की तरह दिखें वो मोती। तो उसकी आंटी ने ऐसा कर दिया और वो खुश हो गई। फिर हेलेन केलर खुश हो गई। बाल्टीमोर में वे डॉक्टर चेस होल्म, यार इन अंग्रेज़ों के नाम तो ऐसे ही होते हैं, वह बाल्टीमोर में चेस होल्म से मिले। तो वो डॉक्टर चेस होल्म से मिलते हैं जो कि मैंने बताया था ऑक्यूलिस्ट थे। तो चेस मोल उनकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं, पर वह कहते हैं कि वाशिंगटन में डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राम घंटी, यानी कि अलेक्जेंडर ग्राम बेल, अब इनके नाम ऐसे होते हैं घंटी घंटा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उनसे मिलने के लिए कहते हैं उनको। और एक बात बता दूँ आपको, डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, और वह मूक बधिरों के शिक्षक थे।
मूक बधिर अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है दोस्तों, शायद गूंगे बहरे होगा इसका मतलब। तो वह उनसे मिलने की सलाह देते हैं, तो वो वहाँ चले जाते हैं। हेलन अगला टॉपिक यही है, डॉक्टर ग्राम बेल के साथ मुलाकात। हेलन को डॉक्टर बेल का साथ आनंदमय लगा। वो वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको काफ़ी खुशी होती है हेलन को उनसे मिलकर, और डॉक्टर बेल ने उसके पिता को बोस्टन में, एक जगह का नाम है बोस्टन में, पर्किंस इंस्टीट्यूट के संस्थापक व निदेशक डॉक्टर एनेग्नॉस, उनके नाम अंग्रेज ही जाने, डॉक्टर एनेग्नॉस से मिलने के लिए पत्र लिखा उन्होंने, जो डॉक्टर एनेग्नॉस कौन थे, वह पर्किंस इंस्टीट्यूट के संस्थापक व निदेशक थे। पत्र के उत्तर में एनेग्नॉस ने मिस सुलीवन आप जो हैं वो टीचर बनेंगी हेलन केलर की, और एक कंपेनियन हैं बनेंगी, तो उन्होंने उनका नाम सुझाया और कहा कि वे हेलन को पढ़ाने आएंगी, तो वो हेलन को पढ़ाने आती हैं बाद में। सो फ्रेंड्स, थर्ड चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और देखते रहिए दी पाइनएप्पल। सो वी विल बी बैक सून, टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग।